फिर से एक फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। छोटी सी जानकारी दे दूंगा आपको इसकी आज की वीडियो में। अगर आपका रिवर्स फॉरवर्ड आगे पीछे फंसता है या अटक अटक के चलता है, ये नॉर्मली नए मशीन में प्रॉब्लम नहीं आता है, पुराने मशीनों में प्रॉब्लम आता है। तो जितने भी 12, 13, 10, 8 के मशीन है उनको ये वीडियो ठीक से देखना चाहिए। वैसे ये मॉडल 2009 का है, वैसे किर्लोस्कर इंजन है, आप देख सकते हैं। नीचे जाके दिखाता हूँ, रिवर्स फॉरवर्ड के जितने भी प्रॉब्लम आते हैं उसका रीज़न मैं बताऊँगा आपको। ऐसी जानकारी कोई भी प्रोवाइड नहीं करेगा आपको, लेकिन हम कर रहे हैं आपके लिए। ये देखो ये ट्रांसमिशन है, ठीक है। सबसे पहले तो कॉइल चेक करना पड़ता है आपको, रिवर्स फॉरवर्ड का उधर है, ठीक है। वहाँ पर देखो ये कॉइल है ऊपर का, ये वाला ब्लैक। कुछ कुछ मशीन में नीले वाला कॉइल भी आता है, ठीक है, कलर की बात छोड़ेंगे। अभी रिवर्स फॉरवर्ड अटकता है आपका, सब कुछ इलेक्ट्रिकल सिस्टम अच्छा है। तो ये आता है सोलेनाइड। एक्चुअली क्या होता है, इसको कॉइल से मैग्नेट हुआ तो इसके अंदर जो एक पुल रहता है छोटा सा, वो पुल मूव होता है और हमारा जो ऑयल है उसको रिवर्स में या फॉरवर्ड में या न्यूट्रल में डायरेक्शन जाता है। तो ये काम करता है कॉइल। तो कभी कभी इसके अंदर का स्पूल अटक गया तो ये प्रॉब्लम आता है, तो आपको वहाँ पे काम चल रहा है स्पूल का, तो स्पूल को सिर्फ घीस के बिठाना है आपको पॉलिश पेपर से, बस आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपको स्पूल दिखाता है, या ऐसा दो रहता है, एक रिवर्स में रहता है एक फॉरवर्ड में, और बीच में सेंटर में स्पूल रहता है। ये देखो ये वाला स्पूल भी अटक गया तो इस तरीके का प्रॉब्लम आपको आता है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको कहीं पे नहीं मिलेगी। ये स्पूल को अच्छी तरह से घीस के बिठाना है और फिर से जैसे सब कुछ निकाला है ये वगैरह वो बिठाना है और कॉइल भी लगा के चेक करना है। हो सकता है आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, और ऐसा नहीं कि हर बार इसी में प्रॉब्लम रहेगा, अलग अलग प्रॉब्लम भी होते हो सकते हैं। कभी कभी ट्रांसमिशन भी खोलना पड़ता है, तो वो बात आपको ध्यान में रखनी है। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा, इन्फॉर्मेशन समझ में भी आई है। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।